सारे वैनिशिंग क्रीम गाना बनाएंगे भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो लैब में स्टार्ट हो रहा है। हम लोग बना रहे हैं वैनिशिंग क्रीम, आईपी का है, प्रैक्टिकल हमारा, और आज सुबह से मैं प्रैक्टिकल के लिए आया था कॉलेज। अच्छा, हमारी आईपी वाली टीचर ने कहा है, हर्षा मैम ने, उन्होंने सब कुछ हमको प्रोसीजर और क्लास वगैरह सब बता दिया है, और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब कुछ हो रहे हैं और आज हम बना रहे हैं वैनिशिंग क्रीम गाना बनाएंगे भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। वैनिशिंग क्रीम बना रहे हैं कैसा होता है बना रहे हैं मैम, साफ कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो इसको वॉश कर लिए वॉश कर रहे हैं इसको, बर्तन को मतलब ग्लास वेयर को, हमने ग्लास वेयर वॉश कर लिया है और प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे पास है अनिकेत पांडे, सॉल्यूशन है मिथाइल पैराबेन का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो हमने स्टार्टिंग में वेट ले लिया था, और अब ये हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे और ये क्रीम का फॉर्म ले लेगा। स्टेरिक एसिड इसको ले लिया, और जो हमारा 20 ml का बना रहे थे, 20 ml जो वाटर था, 8 ml हमने इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसको स्टेयर करेंगे, एक एक ही डायरेक्शन में इसको स्टेयर करना है, अदरवाइज ब्रेक हो जाएगा। और ये हमारा हर्षित कर रहा है। फाइनली हम मैंने बनाया है, क्रीम रेडी हो गई है। अगर आपको स्क्रीन पे शो होगा मैं फोटो दिखा दूंगा। अब इसमें परफ्यूम डालेंगे इसके फ्रेगनेंस के लिए, और प्रॉपर एक क्रीम लग रही है, इसको फॉर्म भी कहते हैं, फॉर्म की तरह। ये देखिए क्रीम रेडी हो गई है। इसका मैं आपको प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा कैसा है। सेमेस्टर में जो अगर ये करता है तो ये देख सकता है वहाँ पे। ये हमारा प्रॉपर रेडी हो गया है। मैंने आपको जो वीडियो में दिखाया है, बट इसको कंटेनर में डालना होता है क्योंकि ऐसे हम रख नहीं सकते। और इसमें जो फ्रेगनेंस आपने कभी देखा होगा, काफ़ी क्रीम्स में उस फ्रेगनेंस अच्छी होती है, तो हमने इसमें सैंडलवुड ऑयल और बहुत ही कम क्वांटिटी में हमने इसमें अल्कोहल डाला है और इसमें ऐड कर दिया है, उसमें इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी अच्छी होगी। आप चेक नहीं कर पाएंगे, बट मेरे को पता है काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये भी मैम ने बताया था कि हम इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, बट डिफरेंट तरह के फ्रेगनेंस मिल सकते हैं। अभी जो क्रीम बनाई है उसका यूज़ इसमें मतलब कहाँ यूज़ होता है, जैसे हम मेकअप में यूज़ करते हैं, जो स्किन पे मॉइस्चर के लिए यूज़ करते हैं, उसके काफ़ी यूजेस हैं। इसका मैं प्रोसीजर प्रोसीजर में जो भी रिक्वायरमेंट्स है, केमिकल और ग्लास वेयर का, और इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अपने टीचर का थैंक यू बोलूँगा क्योंकि उन्होंने आज बहुत कुछ अच्छा सिखाया, पैरासीटामोल का भी सिखाया, और आईपी सच में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फार्मेसी वालों को भी लगता होगा। अब नेक्स्ट जो हम बनाएंगे, अगर कैलामाइन लोशन बनाते हैं तो मैं उसका आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, और अगर कोल्ड क्रीम भी बनाते हैं तो भी उसका दिखाऊंगा। इस वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करते हो जाना, कुछ ना समझ आया अगर फार्मेसी स्टूडेंट को तो मेरे को कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे आके, और थैंक यू सो मच मैम, बाय बाय।